18 सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 4 आतंकवादियों ने उड़ी में इंडियन आर्मी के ब्रिगेड पर हमला किया था, जहां पर 19 जवानों ने शहादत दे दी थी। और ये कैसा हमला था जहां पर पूरे हिंदुस्तान को जिसने झंझोर कर रख दिया था, और हर एक हिंदुस्तानी एक सवाल पूछा था कि आखिरकार इन आतंकवादियों से बदला कब लिया जाए। और उसका बदला लिया इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। सर्जिकल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान में, घुसकर जो आतंकी ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया गया। और एक बड़ी मूवी जो है वो बॉलीवुड ने यहाँ पर बनाई और दिखाने की कोशिश की किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी फोकस करें, हम इस मूवी की बात करें। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है आज इस मूवी का यहाँ पर हुआ है, और कुछ लोग जो है ये मूवी देखकर यहाँ से आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टैग लाइन इस मूवी की ये है कि ये हमारा नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनको मूवी कैसी लगी। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम तरुण शर्मा है। बहुत ही ऑसम मूवी है। मैं चाहूँगा कि सभी जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, जो इंडियन आर्मी हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, तो भी क्या हम चैन की नींद सो सकें, वो लोग हमारे लिए मरते हैं। इस मूवी में भी वो दिखाने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से कारायनापुर जो आतंकवादियों ने जो उरी में अटैक किया था उसके बारे में जो जानकारी दी है, मेरा तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सल्यूट करता हूँ अपने देश की आर्मी के उन जवानों को जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हैं। सर अगर स्टार्स की बात की जाए तो 5 में से कितने स्टार देंगे आप? मैं तो इस मूवी को 5 में से 5 स्टार ही दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इंडियन आर्मी पे इस तरह की कोई पहले मूवी बनाई गई हो। जो सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर उनके घर में पहली बार, ये हमारे देश के इतिहास में हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक में, क्या लगता है कि मुंह तोड़ जवाब मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक बार मूवी को देखना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि उनका जो माइंड सेटअप या उनकी जो सोच थी वो ज़रूर बदलेगी, क्योंकि ये मूवी जो है वो देश के जवानों के लिए उनके सम्मान में बनाई गई है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भी हर एक नागरिक जो है इस मूवी को ज़रूर देखे। मैम से बात करते हैं, आपसे जानते हैं। मैम आपका नाम क्या है? सानिया शर्मा। ओके, तो आपको कैसी लगी उड़ी मूवी? ये बहुत ऑसम मूवी है, जो उन सब लोगों के लिए जवाब है जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स पे जवाब उठा रहे थे, प्रेशर कर रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इसको देखना चाहिए। अगर स्टार्स की बात की जाए तो कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 5/5 भी देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये मैं आपको बता दूँ उड़ी मूवी का जो यहाँ पर आपको पोस्टर दिखा दूँ, इस मूवी को देखकर कुछ लोग बाहर आ चुके हैं और कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक लाइन जो है वो सबको अट्रैक्ट कर रही है, और क्यों ना करे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी जो है जब सवाल ये पूछ रहा था कि आखिरकार उड़ी का बदला कब लिया जाएगा, तो वो एक लाइन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखी गई है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो आपको दिखा दें किस तरह का माहौल है, लोग जो है यहाँ से उड़ी मूवी जो है वो देखकर आए हैं और यहाँ पर जो है वो प्रशंसा कर रहे हैं लोग जो है यहाँ पर, जिस तरह से हिंदुस्तान की आर्मी को ये मूवी डेडिकेट की गई है। आपको ये KCPVR सिनेमा से लाइव विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और खासा इंतज़ार जो था इस मूवी को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का था। और आज जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता, या फिर हम कहें हिंदुस्तान की जनता ने ये प्रशंसा भी की है अपने वीर जवानों की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को जो है वो अंजाम दिया था। और आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं PVR सिनेमा KC से, और कुछ और लोग यहाँ पर आ चुके हैं मूवी देखकर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको उड़ी मूवी जो है वो कैसी लगी। आपको मैं दिखा दूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगी फोकस करें, मूवी जो है देखकर जो है लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि उनको ये मूवी कैसी लगी। तो मैम आपका नाम क्या है? भागवी। ओके, तो आप उड़ी मूवी देख कर आई हैं? हाँ जी। तो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी है, डेफिनेटली देखनी चाहिए सबको, एंड बहुत अच्छी मूवी। Do you feel proud for Indian Army? Yes. We feel very, very proud for the Indian Army. We all are very proud. Yes. तो अगर stars की बात की जाए तो कितने stars देना चाहेंगे आप? अब 5 से ऊपर तो नहीं होते तो 5 stars. हमारे more than 5 actually. आपसे बात करेंगे, आपका नाम? दिव्या। Yes. Okay. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी है, वर्थ वॉचिंग, जरूर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। काफी सवाल उठाए गए थे सर्जिकल स्ट्राइक पे, तो क्या लगता है कि मुंह तोड़ जवाब है? Yes, बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। स्टार्स कितने देना चाहेंगे? More than five. Okay. तो ये एक खुशी है हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर कि आज जो है हिंदुस्तान के वीर जवानों का जज्बा दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी के लिहाज से, और उन लोगों पर भी
एक जवाब है कि आप सवाल उठा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पे, हालांकि आर्मी ने भी क्लियर कर दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे और 18 सितंबर को जो उड़ी के हमले का बदला लिया था हिंदुस्तान की सेना ने वो काबिले तारीफ़ था, पूरे विश्व ने भी तारीफ़ की थी और हिंदुस्तान में जो हर हिंदुस्तानी ने जो है वो तारीफ़ की थी। मैं आपको बता दूँ कि आज हर हिंदुस्तानी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी देखने के लिए यहाँ पर आया, और आज 11 जनवरी है, यहाँ पर हाउसफुल जा रहा था शो, और यहाँ पर जो है शौर्य गाथा, वीर गाथा जो है उन जवानों की बताई गई, जो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं सैनिक हैं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के जवान हैं और विश्वास रखते हैं जो लोग हिंदुस्तान की सेना में, और उनसे ये दिखाने की ये कोशिश की गई कि हिंदुस्तान की सेना कितनी वीर है और अगर देश के खिलाफ कोई भी आएगा, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई और हो, हिंदुस्तान की सेना जो है वो मुंह तोड़ जो जवाब देगी। आपको लाइव विजुअल्स हम पीवीआर सिनेमा केसी से दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं मूवी देखकर, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा आपको मूवी देख कर। उड़ी हमला जो था उसने पूरे हिंदुस्तान को झंझोर कर रख दिया था, और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का भी एक इंटरव्यू आया था तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे मेरे जहन को, मेरे दिल को झंझोर कर रखा था इस हमले ने, और कहीं ना कहीं अब सोच आ रही थी उस वक्त मेरे जहन में कि कैसे मैं बदला ले सकूं इस हमले का। 18 सितंबर का वो दिन था, सुबह 5:30 बजे जैशे मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 आतंकवादी यहां पर आते हैं आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर, वहां पर 19 जवानों की शहादत हो जाती है, तो पूरा हिंदुस्तान जो था वो सदमे में था, लेकिन बदला लिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। आपको बता दूं यहां पर जो है सुबह से ही हाउसफुल शो चल रहा था और कुछ लोगों का आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है, और अंदर लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर तो ये आपको दिखा रहे हैं लोग जो है यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज उनको बहुत बड़ा जवाब उन लोगों को मिला है जो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सवाल उठा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पर, इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रहे थे, आज उनको जो है बहुत बड़ा जो है एक जवाब जो है वो यहाँ पर मिला है और लोग जो है वो खुश हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि लोगों का ये साफ तौर पर कहना था कि हमें प्राउड होता है कि हम हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान की सेना का जो जज्बा है वो दिखाने की कोशिश मूवी के ज़रिए की गई थी, और ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं पीवीआर सिनेमा से, केसी से, और कोशिश थी जानने की जम्मू के वासियों से कि आखिरकार हिंदुस्तान के वीरों की जो कहानी है सर्जिकल स्ट्राइक में। और सबसे बड़ी बात अब ये देखिए कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए हमारे वीर सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर उतरे, रात का समय था, और साथ ही साथ जो है घर में घुस कर मार रहे आतंकवादियों को, तो बहुत बड़ी बात है। और हमेशा से ही हिंदुस्तान की एक छवि रही है कि हम जो है कहीं ना कहीं धैर्य में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब धैर्य टूटता है, जब सब्र का बांध टूटता है, तो बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा स्टेप जो था उस वक्त लिया गया था और उसको नाम दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक, और हिंदुस्तान के हर शख्स ने, हिंदुस्तानी ने उस समय प्राउड फील किया था जब हिंदुस्तान की सेना ने यह बताया, इंडियन गवर्नमेंट ने यह बताया कि हम जो है सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है और आतंकी ठिकानों को जो है हमने ध्वस्त किया है, और वीरों की कहानी कि किस तरह से कैसे वो पूरा प्रोसेस चला, पूरा ऑपरेशन चला उस रात, वो कहानी जो है आज उड़ी के द्वारा सामने आई है और पूरे हिंदुस्तान में इस मूवी को देखने की खासी क्रेज़ है, उत्साहित है लोग, और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। और वही यहाँ पर विकी कौशल है इस मूवी में, परेश रावल है, मोहित रैना है, यामी गौतम है, कीर्ति कुल्हारी है, ये जो है एक्टर्स हैं जो इस मूवी में हैं, और इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है, और जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने काम किया है तो काबिल तारीफ़। और मैं भी यही कहूँगी कि हमें जो है सल्यूट करना चाहिए, हमें जो है अपने वीरों को जो है शत शत नमन करना चाहिए कि आज आप जो LOC पे मौजूद है, आप बॉर्डर पर मौजूद है, तो हम सुरक्षित हैं,
और श्री न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से हम उन जो पूरे वीर जवानों को, सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और यही कहेंगे कि आप हैं तो हम हैं, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान की सेना हमारी सुरक्षा करती है। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो चुप रहने वाला नहीं है। सब्र का बांध कभी ना कभी तो टूटता है, तो सब्र का बांध जब टूटा तो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हमने आपको दिखा दिया कि हम में कितना दम है, कितना हम जो है बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त करने का जो मादा था वो ख़त्म हो चुका था। और जैश मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने जिस तरह से 18 सितंबर को हमला किया था उड़ी में, तो उस हमले का बदला हिंदुस्तान की सेना ने बहुत अच्छी तरह लिया है। तो अब भी जो है अब सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो शायद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा भी हो सकती है। तो ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े देखते रहे श्री न्यूज़। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जॉनी के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।